इसको आप सीखिए क्या मतलब होता है। दो रैम लगाने का मतलब क्या है? अभी मैंने जो कंप्यूटर 2 साल पहले खरीदा था उसमें 2 GB रैम था, 2 साल पहले खरीदा था। अब जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं जैसे पबजी, सबके मुंह पर होता है पबजी, और आप जानते हैं कि पबजी में कम से कम 8 GB का रैम चाहिए, राइट? और मेरे पास रैम कितने का है? रैम, अब तो रैम कभी नहीं भूलोगे, देख लिए हो हाथ से टच करके देखो। कुमार क्लास 9 इज डायरेक्टेड टू कम एंड मीट हिज फादर। रोहित कुमार्स फादर इज। तो रैम मेरे पास 2 GB है, और अब मुझे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए या किसी भी चीज के लिए अब मेरी नीड है कि 6 GB और हो जाए, तभी तो हम पबजी खेलें। तो हमको कितना और चाहिए? 6। तो हम बाजार में गए, 6 GB का रैम खरीदे, तो पहले से इसमें एगो लगा था, अब 6 GB वाला इसमें लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, काम नहीं करेगा। वजह, इसका नियम है जो पहले वाला है जितने GB का है या MB का है उतना ही बगल वाला होना चाहिए, तभी काम करेगा। यानी कि दोनों का साइज पैरेलल होना चाहिए, मतलब एक 2 GB तो दूसरा भी 2 GB, एक 4 GB तो दूसरा भी 4 GB। और पहले ही से अगर आपने 8 GB वाला रैम खरीद कर रखा है और आपको अब और चाहिए तो लगेगा 8 GB ही। दोनों पैरेलल काम करना चाहिए, या तो पुराना बदल दीजिए तो दोनों नया खरीद लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं किसी वजह से तो नया खरीदिए तो इसके ही इक्विवेलेंट पे खरीदिए। कोई दिक्कत? रैम समझ में आ गया? रैम पर कोई छोटा भी क्वेश्चन, मोटा क्वेश्चन बता दीजिए। कोई दिक्कत? एनी डाउट? रैम आजकल 1 GB से लेकर के 1 TB तक का आ सकता है, लेकिन कौन सा कितने में लगेगा इस बात की गारंटी नहीं होती। वजह, मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा है तो उसमें एक चीज होता है कि इसका आप अभी 32 GB का मेरे पास मेमोरी है और आप मैक्सिमम 64 GB लगा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आता है, तो क्या उसमें 1 TB लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस मदर का एक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि इसमें मैक्सिमम 8 GB तक का ये रैम सपोर्ट कर सकता है। यह जब खरीदेंगे तो इसके बुकलेट पर लिखा हुआ होगा 2 GB to 8 GB, यानी कि 1 GB भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आज से 1 साल पुराना व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल पर चला सकते हैं? नहीं चलेगा, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चलने देता, तो आउटडेटेड हार्डवेयर भी नहीं चलने देगा। जैसे 5G लॉन्च हो गया, अब देखिएगा 6 महीने के बाद आपका ये मोबाइल बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिम काम ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, आपको मोबाइल लेना ही पड़ेगा, कंपनी यही पॉलिसी लगाती है। अब ये क्या हो जाएगा? कचरा, घर में बच्चे गेम खेलेंगे, और एक नेटवर्क से अरबों की मोबाइल